वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो पटवारी लेखपाल भर्ती से रिलेटेड, जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही, एक्सक्लूसिव हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 अगस्त का ये जो है नोटिफिकेशन है राजस्व परिषद उत्तराखंड विभाग की ओर से। आप देख सकते हैं सेवा में कार्यकारी निदेशक राजस्व पुलिस एवं आप देख सकते हैं भूलेख जो है सर्वे प्रशिक्षण संस्थान। विषय क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि राजस्व निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक पटवारी एवं लेखपाल पद पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर संपूर्ण डिटेल है, जहाँ पर 563 पदों के अधियाचन के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक को 560 राजस्व उप निरीक्षक यहाँ पर हो गए हैं। मतलब जो है फाइनली यहाँ पर डिटेल्स आ गई है। याद हो इससे पहले आपने देखा होगा हरिद्वार की ओर से डीएम की ओर से भी ये पत्र लिखा गया था कि जितनी जल्दी हो सके उनका प्रशिक्षण कराने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे कि आगामी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी हैं। ठीक है, इसी संबंध में आप देख सकते हैं आगे लिखा गया है कि 560 अभ्यर्थियों प्रशिक्षण संबंधी अग्रित कार्रवाई संपादित करते हुए कृत कार्रवाई के शासन को अवगत कराए जाने की वो अपेक्षा की जाती है। उक्तानुसार ये आप देख सकते हैं ये डिटेल है, यानी कि पूरा प्रशिक्षण को लेकर ही ये पूरी डिटेल है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जनपद चयनित अभ्यर्थी पटवारी और चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर लेखपाल, तो आप देख सकते हैं ये जो है पूरी लिस्ट है यहाँ पर जो फाइनल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 388 यहाँ पर लेख पटवारी और यहाँ पर 172 जो है पूरे जो है आपको लेखपाल चयनित हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरा, रुद्रप्रयाग, टेहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। ठीक है, इसी संबंध में आप देख सकते हैं डिटेल ये लिखा हुआ है, जो कि आयोग हरिद्वार की ओर से भी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस संबंध में जो यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसको आप समझिएगा। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया आगामी राजस्व उप निरीक्षक प्रशिक्षण को सुचारू रूप से संपन्न करवाए जाने हेतु प्रशिक्षण की विस्तृत कार्य योजना तत्काल तैयार कर ली जाए, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान में बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ साथ प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों को स्थिति सुस्पष्ट हो जाए, जिससे प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। यदि 560 प्रशिक्षु राज्य उप निरीक्षक के संस्थान में प्रशिक्षण को प्रदान करने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो तदनुसार स्पष्ट सुझाव जो है कार्य योजना सहित तत्काल परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समयक जो है विचारप्तान प्रशिक्षण हेतु आवश्यक निर्देश जो है जारी कर दिए जाए। तो आप देख सकते हैं भौदी चंद्रेश कुमार आयुक्त एवं सचिव। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो है यहाँ पर ऊपर राजस्व परिषद जो उत्तराखंड सेवा में कार्यकारी निदेशक राजस्व को यहाँ पर लेटर लिखा गया है प्रशिक्षण के संबंध में। इसी संबंध में अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं प्रेषक जो है ये 28/7 को ये लेटर जारी हुआ था। सचिन कुरुवे सचिव उत्तराखंड ने आयुक्त सचिव विभाग को लिखा था 27 तारीख को। आप देख सकते हैं वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अभ्यर्थियों का जो है प्रशिक्षण किया जाए। जो आप देख सकते हैं लेटेस्ट ये है, इससे पहले जो है सचिव ने लिखा था उत्तराखंड शासन की ओर से जारी होता लेटर। उसके पहले आप देख सकते हैं संस्कृति विभाग जो परीक्षा लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व विभाग को आप देख सकते हैं सचिव उत्तराखंड को लिखा गया था लोक सेवा आयोग की ओर से। आप देख सकते हैं ये डिटेल, आप देख सकते हैं जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं सभी का यहाँ पर जो है डिटेल दिया गया है आयोग की ओर से। तो बहुत ही जल्द आपको जो है पटवारी लेखपाल का जो है प्रशिक्षण की पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। बाकी पूरी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।